हारिया थकिया टुटिया इंसान की नहीं करता अपनी कमान। इस चीज़ के उत्ते तुसी देखो हर रोज़ भावें सोशल मीडिया, भावें गोदी मीडिया, भावें मोदी मीडिया, भावें कोई मीडिया, भावें अखबार है, उसके उत्ते मोदी जी के गुण गायन। मोदी जी की गरंटी, ये मोदी जी की गरंटी कदों तो शुरू हुई थी? ये 2014 में शुरू हुई सी। जिहड़ियां गरंटियां अच्छे दिन आएंगे तो देश नाल धोखा कराएंगे। फिर 2 करोड़ नौकरियां असी देश के युवा नूं देंगे, तो उहदे लई मेक इन इंडिया बनाता, मेड इन इंडिया की बजाय डी कट के के लाता। विच मेड दे स्पेलिंग होंदे ने MADE मेड, ते मेक दे होंदे ने MAKE। एक अक्षर बदलन नाल इन्हां दी मंशा जाहर हो गई सी कि शायद 2 करोड़ जिहड़ियां नौकरियां देश के लोगों लई आ जाणगियां, देश के युवा लई आ जाणगियां। ते उस तों बाद फरला आ गया, पकौड़े तलो, इट इज़ ए गुड बिजनेस। फिर राम मंदिर के नाँ ते बड़ा ढंडोरा पिटिया गया, ते हुण प्राण परीक्षा जिहड़ी होई है उहदे विच प्राणा की परीक्षा होई है जां प्राणा की प्रतिष्ठा होई है, इहदे उत्ते बड़ा वड्डा सवाल खड़ा हो गया। ते इह वी सवाल खड़ा हो गया दायरिआं दे विच कि की असी राम मंदिर बना के किन्नियां कु वोटां अपनी जेब विच पा लईआं जां किन्नियां कु नहीं। लेकिन सोशल मीडिया दे जिहड़े निडर पत्रकार ने उन्होंने साफ ते स्पष्ट तौर ते जिहड़े ने एक अनैलिसिस कीते ने, उन्हां अनैलिसिस नूं मन्नण दी बजाए इस वेले दी सरकार जिहड़ी मोदी जी चला रहे ने, प्रधान चौकीदार जी चला रहे ने, प्रधान सेवक जी चला रहे ने, उन्हां नूं अडवाणी जी दी याद आ गई आ। अडवाणी जी बारे वो की कहिंदे ने? वो कहिंदे ने भारत रत्न फॉर अडवाणी। शुक्र है भोग पैन तो पहले उन्होंने याद आ गया है कि अडवाणी जी ने भारत रत्न देना। 18 घंटे काम किया, 18 घंटे के कोई 2 मिनट सोचने लिए इधर नहीं मिले कि अडवाणी जी की जिहड़ी यात्रा सी, रथ यात्रा राम मंदिर तक सी, जिहड़ी उन्होंने 1990 शुरू की सी सोमनाथ तो अयोध्या तक, उसका जिहड़ी ये मुल मोड़न का वेला आया या उन्हों गुल करन दा वेला आया अपनी सरकार नू, ते फिर उन्होंने ये ध्यान किया है कि उन्होंने अपने जिहड़े ये नेता ने बीजेपी दे कदवार नेता जिन्हां नू मक्खन विच्चों वाल वांगू बाहर कढ़ दित्ता सी, उन्हां दा ये याद आ गया कि उन्होंने रथ यात्रा लीड कीती सी राम मंदिर तक, ते उन्हां नू भारत रत्न पहले 9.5 साल ये क्यों ध्यान नहीं आया। इस गल का जो मोदी जी जवाब देन तो गल बड़ी वड्डी होएगी। एक गल होर भी है, ये कल दियां अखबारां ने ये न्यूज़लाइन हिट की सी फ्रंट पेज ते, भारत रत्न फॉर अडवाणी हूत रथ यात्रा लैड टू राम मंदिर। ते अगों फिर कई अखबारों ने यह भी विमोचन किया, कम्स विद इन फोर्टनाइट ऑफ प्राण प्रतिष्ठा, 15 दिन के विच विच ये भी एक जुमला आ गया बड़ा वड्डा। ते बड़ियां फोटोआं दे सैशन होए ते सारा कुछ खचाया गया ते कीता गया, ते ये दसन दा यतन कीता गया कि मोदी जी ने LK अडवाणी जी नूं सन्मानित कीता भारत रत्न वास्ते, जिहड़े मोस्ट रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन ऑफ अवर टाइम्स हैं, पर उन्हां नूं 9.5 साल दे विच मोदी जी ने कभी ये तो पूछा नहीं जाके जी मेरी सरकार का मंथन की है, मैं ठीक चल रहा या गलत चल रहा या किवें है या किस तरह नहीं। ये जिहड़ी है एक हसोहीनी स्थिति जिहड़ी है इस वेले पैदा हो गई है। इस विच जे ये देखा जाए तो 2 गल्लां साफ ते स्पष्ट तौर पर नज़र आउंदियां ने। राम लला जी नूं घर दे दिता, वट ए वंडरफुल इवेंट। फिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अनदर वंडर ऑफ द वंडरफुल गवर्नमेंट। फिर उस तो बाद उन्होंने ये लग्या भी राम मंदिर दे करके असी इलेक्शन नहीं जित सकनी, तो फिर उन्होंने LK अडवाणी जी नूं सन्मानित किया।
एल के अडवाणी जी सन्मानित किया है ते मोदी जी प्रधान चौकीदार जी प्रधान सेवादार जी 18 घंटे काम करन वाले साडे प्रधानमंत्री जी ये भी दसन दा यतन करो साढ़े 9 साल दे विच किन्ने बीजेपी दे नेता जिहड़े सी ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਏਗਾ ਈ ਵੀ ਐਮ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਏਗਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ 15-15 ਲੱਖ ਆਏਗਾ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।